पेज नंबर 430, 430 में जो एटीएम का जो वो आए कमेटी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा ना ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हाँ अंडरलाइन कर लेना कि सी रंगराजन कमेटी का मामला, ठीक है। और एटीएम के बारे में मुझे कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक 432 पे देख लो एटीएम कस्टमर इंटरफेस, यानी एटीएम जो है कस्टमर से कैसे कैसे बात कर सकता है, वीडियो डिस्प्ले मॉनिटर आ जाएंगे, आपका क्या हुआ कीबोर्ड या कीपैड आ गया, टच स्क्रीन हो गया, स्लॉट्स हो गया, उसमें आपका कार्ड जा रहा है, ठीक है। एनवेलप डिस्पेंसर, एनवेलप डिस्पेंसर क्या चीज होती है और कैश डिस्पेंसर क्या चीज होती है बताओ जरा, ठीक है। ऐसा कि बहुत पहले की बात है, 2003 की बात बताता हूँ, एबीएन एमरो बैंक अब तो नहीं है यहाँ पे, उसकी मैं देहद लखनऊ ब्रांच की बात करता हूँ, उस जमाने में आज से 15 साल पहले वो कैश जमा करते थे एटीएम से। कैसे करते थे, आप अपना अकाउंट नंबर डालो जो भी आपकी वेरिफिकेशन करे, अंदर से ही लिफाफा निकल गया है उसमें फिर पैसे डालने पड़ते, हाँ ICICI सबसे पहले लॉन्च किया था, हाँ तो वो लिफाफा लेंगे उसमें पैसे डालोगे, डिटेल वो कर दोगे, ठीक है। वो करने के बाद क्या हुआ, उस लिफाफे को वापस डालोगे, आप अमाउंट पंच कर दोगे, नेक्स्ट डे जब वो ब्रांच खुलेगी तो सबसे लेके गिन के आपको मैसेज आ जाएगा, हाँ जी पैसे, वो सब वीडियोग्राफी में बनाते। तो एनवेलप डिस्पेंसर है, कैश डिस्पेंसर, ठीक है। डिपॉजिट स्लॉट, यानी आजकल वो जो मशीन आ रही है उससे पैसे भी ले रही है ना, ठीक है। अच्छा एक ये हॉक का क्वेश्चन आएगा, अंडरलाइन कर लो 432 पेज में नीचे, हॉक क्या है इसका देख लो, द इंटेलिजेंट ऑटो टेलर एंड नेटवर्क नेटवेयर मैनेजिंग सिस्टम, यानी एक तरह से फ्रॉड के लिए काम किया गया। नीचे लिखा हुआ हॉक प्रोवाइड्स अनसरपास्ड सर्विसेज इवन इन एब्सेंस ऑफ द रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक इंटेलिजेंट नेटवर्क है, क्या करता है देखो, बेनिफिट क्या है देखो उसका, कि अगर वो सिस्टम काम कर रहा है तो गलती होने के चांस कम होंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहेगा, दूसरा क्या है हाई अवेलेबिलिटी, नेटवर्क नहीं भी काम कर रहा है तो भी कुछ चीज जानकारियां उसमें है, जैसे अभी मान लिया नेटवर्क फेल हो गया लेकिन उसके मेमोरी में एक डेटा पड़ा हुआ है कि आप अगर अकाउंट नंबर डालोगे तो समझ जाएगा मिस्टर समीर सिंह का अकाउंट है, सामने दिखा देगा, जब तक आप अमाउंट डाल रहे हो ये डाल रहे हो एंटर मार रहे हो तब तक कनेक्टिविटी आ गई तो आपको अपना टाइम बच जाएगा। तो क्या बोलता है हाई अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑटो रिकवरी जैसे ही वो ले लेगा, एनी टाइम बैंकिंग है, लो कॉस्ट है, क्विक एंड अर्ली इंप्लीमेंटेशन है, एनहांस सर्विस सिक्योरिटी ऑडिट कंट्रोल है, नेटवर्क मैनेजमेंट है, प्रेडिक्टेबल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, क्या है कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप ऑटो बैंकिंग है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है व्हाइट लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम का क्या होता है बताओ, हाँ जो बैंक नहीं है, एनबीएफसी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी हो, बस बैंक नहीं हो, तो वो लोग क्या, जैसे टाटा इंडिकेस चल रहा, टाटा वालों का जो है ना एटीएम, और टाटा के अलावा कोई एटीएम देखा जो मतलब कंपनी बैंक ना हो और एटीएम का काम कर रहे, देखा नहीं टाटा कहीं, हाँ देखा है, ठीक है। चलो नीचे आ जाए जरा, जनरल क्राइटेरिया में नॉन बैंकिंग एंट्रीज अथॉराइज फॉर आरपीएस सेटअप दुबई लेवल एटीएम के लिए क्या है, कौन कौन सा सिटी बोली है उसने, टीआर 1-2 और टीआर 3-4 सेंटर, जैसा भी आरबीआई जो डिसाइड करेगा उनके लिए होगा, और बैंक वाले ही उस पर कार्ड चलेंगे, देखा दूसरा पॉइंट, ओनली द कार्ड इश्यूड बाई द बैंक वुड बी परमिटेड, ठीक है। एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट एट द इज नॉट साइट इनटू अदर अकाउंट ऑफ द ऑपरेटर एनी अदर अकाउंट सेल, देखो उसने बोला है कि वो केवल विड्रॉल के काम आएंगे, वहां पर कैश डिपॉजिट नहीं होगा, वो लेके भाग जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, द WLA ऑपरेटर विल बी द, ये अंडरलाइन कर लेना कि उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्वायरर फॉर ऑल ट्रांजेक्शन एट द हिज फी, और उसमें क्या करेगा कुछ वो फीस देता है, ठीक है। अच्छा और इसमें ASCII कोड की वो करेगा जो कम्युनिकेशन होगी ना उसकी,
The advertisement placed on such ATM would be subject to the Advertisement Standard Council of India. ठीक है, और नीचे कुछ उसमें है, सबसे नीचे वाला पॉइंट पढ़ो, जनरल गाइडलाइन फॉर गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक ऑपरेटेड एटीएम वुड अप्लाई, क्या लिखा हुआ, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू, ये लीगल वर्ड है, आप इसको अंडरलाइन कर लो, क्या लिखा हुआ, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, अगर हम इसको देखेंगे तो ये मिल जाएगा, क्या स्पेलिंग बोल रहे हैं, यू टी ए टी आई एस म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, एम यू टी ए टी आई एस आर एम यू टी ए एन टी आई एस, ये देखो सर बोला है कि when comparing two or more cases or situation, making necessary alteration while not affecting the main point at issue, legal point. आगे बोलो, अगला NPCI का क्वेश्चन आएगा, NPCI National Payment Corporation of India, हाँ मतलब आएगा क्वेश्चन, एक CCIL का भी आता, Clearing Corporation of India Limited, और ये क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, तो बेसिकली जो हमारा ये सब नेटवर्क चल रहा है ना, पेमेंट वाला, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम वाला चल रहा है, वो NPCI देखता है, जो ऑनलाइन क्लियरेंस होती ना सारी, वो कौन कर रहा है, ये NPCI कर रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और इसमें जो 10 कोर प्रमोटर बैंक है, SBI मिला, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और ICICI बैंक, SDFC, सिटी बैंक और HSBC बैंक, ठीक है, 25 कंपनी मिलकर बना रही है, रुपए एक नया लॉन्च किया है, रुपए अपना क्या है, रुपए क्या है, एक कार्ड का ब्रांडिंग है, और इंडिया में पहले अपना कोई भी रुपए का कोई भी कार्ड ब्रांडिंग नहीं थी, वीजा, मैस्ट्रो, साइरस, डिनर क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारे फॉरेन ब्रांच, ठीक है, तो रुपए अपना बेनिफिट, और रुपए में क्या है, लोअर कॉस्ट है, इसके खर्चे कम होते हैं, सरकार का है, तो सबने क्या करा, आजकल रुपए कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंडियन, देखो तीसरा वाला पॉइंट, जो फेसबुक लुटा रहा है ना पैसा, तीसरा पॉइंट बढ़ो नीचे, मिला, मतलब जब रुपए की इंफॉर्मेशन किसके पास है, सरकार के पास है, सरकार के पास है तो क्या वो बाहर नहीं देगा, नहीं करेगा, दूसरा क्या, प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑप्शन, अनटैप्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड कस्टमर साइड, अनटैप्ड का मतलब कि जैसे हमारा ये जनधन खाता था, तो जनधन खाते में आया ना कि रुपए का कार्ड मिलेगा उसको, ठीक है, अच्छा, रुपए पे सिक्योर, अगले पेज में देखो, रुपए पे सिक्योर क्या है, एन ई कॉमर्स सॉल्यूशन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रुपए पेगा, नॉट ओनली प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर ई ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो द गिव्स द कस्टमर ए कम्प्लीट यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमारा शॉपिंग का भी जो POS वाला काम है वो भी कर रहा है, रिजर्वेशन में काम नहीं आता, उनकी वेबसाइट में नहीं ले रहा था पैसा कार्ड, है देखा, अब लेन लगे हो तो शुरू करना है, ये कह रहे करता, चलो देख लेना, चलो अच्छा आगे, PIN पिन के नंबर में कोई वो नहीं है, अच्छा पिन में एक बात हो गई कि पहली बार जब कार्ड यूज करेंगे तो हमें क्या पिन नंबर बदलना जरूरी है, जरूरी नहीं है, मतलब मिनट नहीं है, जो वो चल रहा है वो भी चला सकते हैं, और अच्छा नीचे अब आ गया, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल रखा हुआ है, 436 पेज पे, चार्ज कार्ड क्या होता है, इसमें बहुत डिस्कशन चलता है, चार्ज कार्ड, इन सच कार्ड ट्रांजेक्शंस आर एक्यूमुलेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनरली अ मंथ एंड द टोटल अमाउंट चार्ज डेबिटेड टू द अकाउंट, कहने का मतलब ये हुआ कि आप कार्ड जहाँ जहाँ यूज कर रहे हो पहले वो यूज होता जाएगा, एक महीने में सारा जोड़ा होने का 25,732 रुपये, अब आपके अकाउंट से एक एंट्री डेबिट कर दी, एक बार, दूसरा क्या है, द क्रेडिट कार्ड होल्डर गिवे ने कितना 25 से 50 दिन का समय मिलता है, जो भी ये तो दिन आगे पीछे हो सकते हैं, इन केस ऑफ देयर आर सफिशियंट फंड्स इनसफिशियंट फंड रिक्वायर टाइम टू टाइम, आगे बोलता है since the transactions are accumulated it's only it is only charged not debited to the account immediately such cards are
यानी कि इमीडिएट आपके खाते में नहीं चढ़ता, कुछ दिनों का समय लिया आपने, लिया मुंबई से, लिया दिल्ली से, लिया आए वापस, तो जो दिन होते हैं जितने, उतने दिन बाद वो आपके खाते से उतने रुपए डेबिट करेगा। एक तरह से प्रीपेड कार्ड समझ लो, एक लिमिट सी बना दी, लेकिन कब डेबिट करेगा, जब 30 दिनों के बाद या उतने दिनों के बाद, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में कुछ बताने की जरूरत नहीं मेरे को। और आ जाओ नंबर कार्ड सब छोड़ दो, मल्टीपल पिन में आ जाना एक बार, 439 पेज में मल्टीपल पिन। वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी फीचर ऑन द स्मार्ट कार्ड इज सिक्योरिटी टू प्रिवेंट कार्ड रिलेटेड क्राइम्स एंड फ्रॉड्स। चिप्स फॉर स्मार्ट कार्ड आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। वी हैव सीन दैट द स्मार्ट कार्ड हैज डिफरेंट, क्या है, पॉकेट्स ऑफ स्टोरेज ऑफ कैश फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी, कहने का मतलब है अगर आप फिल्म देखने जाओगे तो उसने कहा जी 5,000 तक का ट्रांजेक्शन करेंगे, उसका पिन अलग डालना पड़ेगा। ज्वेलरी खरीदने जाओगे तो उसका पिन अलग है। क्या होगा कि वो कार्ड अलग अलग पर्पज से अलग अलग पिन का है। अब बच्चे को दिया तो उसको स्कूल फीस के लिए अलाउड कर रखा, उसको स्कूल पिन का दे रखा कि स्कूल की फीस जमा करने जाना बेटा कार्ड ले जा, उसका पासवर्ड इतना है 3827। लेकिन वो सोच रहे चलो मैं इससे पैसे भी निकाल लूँ, ना उसका अलग है मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। डायनामिक सिग्नेचर वेरिफिकेशन हो गया, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन हो गया, ये सब पिन ही है एक तरह के, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, पासवर्ड ही तो है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना। अच्छा, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, आवाज़ होगी तभी चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। रेटिनल आँख वाला है, वेन वाला क्या है, नसों वाला, थर्ड वो जो हार्ट बीट से भी पकड़ लेता है, ठीक है। फिर क्या है, विजुअल है, विजुअल दिखा फेस आपका मिल रहा नहीं मिल रहा। इलेक्ट्रॉनिक पर्स है, जिससे ई वॉलेट का सिस्टम आ गया आजकल पेटीएम वगैरह वगैरह में, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पर्स है आपका, ठीक है। बैंक कार्ड छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक कैश छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में सब पता है आपको, कुछ नहीं पर्सनल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग पर आ जाओ, जो क्वेश्चन जो इंटरनेट बैंकिंग पर आ जाओ, ठीक है। एक आता है बिट इंक्रिप्शन आता है, क्या आता है, बिट इंक्रिप्शन। तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट हम देखते हैं तो 256 बिट इंक्रिप्टर दिखाता है, इधर दिखाता है बिट। मैं पीएससी की फोन पे देखता हूँ जरा, अभी बता देना कितना है। तो बिट इंक्रिप्शन इज द मेजरमेंट ऑफ सिक्योरिटी आस्पेक्ट, जो भी बैंक है ना वो कौन से स्टैंडर्ड यूज कर रहा है, किसके लिए, सिक्योरिटी के कौन से स्टैंडर्ड यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं बिट इंक्रिप्शन। बिट तो स्टेट बैंक के साइज में जाता है 256 जाता है। जरा अगले पेज पे देखना, मोबाइल बैंकिंग लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ 128 बिट इंक्रिप्शन एंड ओपन इंटरनेट टेक्नोलॉजी लिखा हुआ ना। और इसमें मुझे डाउट है कि ये अभी चलो देखते हैं, वैसे बैंक जो वेबसाइट है इसमें देखना क्या लिखा हुआ है, यस कहीं देखना लिखा हुआ है कि कितने बिट इंक्रिप्शन है, नहीं लिखा हुआ ना, तो लिखा है ना मोबाइल बैंकिंग में, नहीं वो मैंने लगा वो पुराना है। अच्छा ये यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा पता है, पता क्यों दिखा रहा, जल्दी बताओ यहाँ पे क्यों दिखा रहा, जब आप एंटर कर जाते हैं वेबसाइट के, क्या बात है, ट्रांजेक्शन के टाइम यहाँ पे लिखा आता है, जैसे स्टेटमेंट का है वेरी साइन है, क्या इसका VERISIGIN लिखा था, वेरी साइन 256 बिट इंक्रिप्टेड साइट। सर वो जैसे ना पेमेंट कर रहे होते हैं ना, उस समय दिखाता है कि मतलब जैसे वो
हाँ जैसे हम पेमेंट गेटवे के टाइप बिल गेटवे के टाइप पे दिखाता है ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को देखो दिखाएगा हमें ये योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड बाय 128 बिट सिक्योर सॉकेट लेयर एसएसएल एक सिस्टम इसका आ गया ठीक है और इसमें देखना क्या दिखा रहा है कहीं दिखाया देख स्टेटमेंट का 256 ही है तो जो पेमेंट वाली होती है वो 128 ही होती है मतलब जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं सबमिट साइड पे लेकिन ये इसका स्टेटमेंट तो मेरे को करना है 256 बिट इंक्रिप्शन होगा ठीक है चलो आ जाओ और आ जाओ इंटरनेट में एस का मतलब यहाँ पे क्या है एस एस सिक्योरिटी एस लिखा सिक्योर वेबसाइट पे ना हो तो तब तक आप क्या नहीं करेंगे कई लोगों ने पीछे क्या फ्रॉड किए थे आप जब डालते हैं ना onlinesbi.com अगर आपसे गलती से onlinesb.com हो गया या onlinesiv.com हो गया या नो लाइन मतलब एक भी स्पेलिंग आगे पीछे हो गई या कम हो गई तो उन्होंने कई सारी वेबसाइट बना रखी है कि जैसे ही आपका जरा सा आगे पीछे हुआ तो उनकी वेबसाइट खुल जाएगी और स्क्रीन पे एक देगा लॉग इन आप तुरंत क्या करेंगे लॉग इन तुरंत क्या डालेंगे पासवर्ड एंटर मारेंगे एंटर मारने के बाद वो थोड़ा देर घूमता रहेगा आप सोचोगे लॉग इन हो रहा इतनी देर में ये इन्फॉर्मेशन किसको मिल रही जो हैकर्स को मिल रही उसने तुरंत जब तक वो घूम रहा था तब तक अपना लॉग इन किया उसने तुरंत और देख लिया क्या क्या कर सकता हूँ आप देखो सुनो यहाँ क्लियरिटी आई कि 128 बिट तो SSL चाहिए चाहिए लेकिन इसका जो है 128 से लेके कहाँ तक है 255 ये क्वेश्चन के प्रमोशन एग्जाम में SBI को पूछा ठीक है चलो आ जाओ और आगे अच्छा मोबाइल बैंकिंग का फैशन चला गया उसमें से कोई क्वेश्चन अब आएगा नहीं मोबाइल बैंकिंग में कहाँ आता है पहले क्या होता था वो मोबाइल बैंकिंग में एक वो ऐप टाइप का होता था उस पर आप वो करता तो इतनी देर में लोग ओरिजिनल वेबसाइट खुल जाती ऐप में जैसे होते ना पहले अलग था उधर से आप तक का पेमेंट मोबाइल से होता था अब वो जरूरत मतलब उसका फेस आउट हो गया चेक ट्रांजेक्शन क्या है बताया आपको कि इमेज भेज करके काम करना ठीक है नोड काउंटिंग नोड मॉर्निंग वो सब हो गया अच्छा नोड सॉर्टिंग मशीन में क्या टेक्नोलॉजी का मामला है भाई नोड सॉर्टिंग में क्या है स्कैनर अल्ट्रावायलेट स्कैनर रहता है जितने फीचर्स होते हैं सिक्योरिटी वो सारे फीचर क्या करती है वो देख लेती है और जो डिफरेंट यूज करती है चलो आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ 454 पेज अच्छा ये क्वेश्चन और नोट कर लो अब इसमें आ भी जाएगा एक होता है फिशिंग क्या होता है फिशिंग हाँ
एक फिशिंग होता है, एक विशिंग होता है और एक डिसमिसिंग होता है, तीन है ये। फिशिंग किस पहले क्या होती है फिशिंग? फिशिंग और एक होता है डिसमिसिंग होता है, ऐसे करो। फिशिंग जो होता है वो है फ्रॉड ओवर इंटरनेट, और विशिंग होता है फ्रॉड थ्रू मोबाइल टेक्नोलॉजी, जैसे एसएमएस वो कर दिया, क्या बोलते हैं, एसएमएस हैक करके मैंने फिर दूसरा भेज दिया, वो लिखा हुआ आएगा कि कहाँ से आ रहा है, एसबीआई से आ रहा है, या ऐसे एक नाम बना दिया। एक है प्योरली एसएमएस बेस्ड फ्रॉड, क्या होता है कि इफ यू हैव विड्रॉन 10,000 रेस्पॉन्ड टू यस और नो, तो नहीं करा तुरंत करो विड्रॉ, ठीक है, फिर बोलेगा व्हाट इज योर अकाउंट नंबर, आपने दो बता दिए, फिर मतलब ऐसे फ्रीक्वेंट पूछता है कि आप बताते चले जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन का है थ्रू मोबाइल, ठीक है, ये तीन है, कहीं आगे मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें जो है हमारा नेटवर्किंग में डुप्लेक्स वाला रह गया था, वो जरा देख लीजिए, ये 455 पेज आपको 454 55 56 एक नंबर पॉलिट 455 बहुत जल्दी से बता देता हूँ इसमें क्या है। देखो सबसे पहले था टाइप ऑफ केबल ट्रांसमिशन मीडियम है ना, मीडियम वो चीज होती है जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है, मीडियम वो है जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल कर रहा है। तो कैसी है, ट्विस्टेड पेयर होगी जो हमारी बिजली में घरों में यूज होती है, जैसे ये वाली वायर है ब्लू वाला ब्लू वेपर, ये ट्विस्टेड वायर है, ठीक है। कोएक्सियल जो हमारे वो आजकल डिश टीवी में लगती है, डिश टीवी में कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर जो आजकल चल रहा है हमारा सब, ठीक है। अच्छा अब ये सारी चीजें हैं किसमें, टेरेस्ट्रियल केबल है, क्या है ये, केबलों के थ्रू काम होगा। अब दूसरा क्या टेक्नोलॉजी है, माइक्रोवेव, जहाँ पे केबल है ही नहीं, जहाँ पे केबल नहीं है, द यूज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स यूज्ड इन द टेलीफोन सिस्टम्स एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन, रेडियो वेव्स आर मॉड्यूलेटेड टू कैरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा नीचे क्या है, कम्युनिकेशन के सेटेलाइट हो गए, तो या तो आप घर में तार से कनेक्शन दो, या वाईफाई जैसे के थ्रू दो, या सेटेलाइट से आ रहे, बेसिकली जो हमारा ये चलता है डिश टीवी घर में चलता है, जिसमें वीडियो कॉल वगैरह वगैरह सब क्या, सेटेलाइट सिग्नल से तो आ रहे हो, कोई केबल नहीं है, केबल कहाँ पर है, सिर्फ कोएक्सियल लगी, वो भी कहाँ, छतरी से लेकर के, ठीक है। हाँ नीचे आ जाता है ट्रांसमिशन प्रोसेसर, ये ट्रांसमीटर मीडियम है कि इनके थ्रू ट्रांसमिशन होता है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो प्रोसेसर से, क्या प्रोसेसर है उसके, पहला क्या बोला मैसेज स्विच है, दूसरा क्या मल्टीप्लेक्सर है, तीसरा क्या फ्रंट एंड प्रोसेसर है। तो क्या बोला मैसेज स्विच में क्या करता है, इट इज यूज फॉर सॉर्टिंग स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा टू ए लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल ओवर ए सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल, एक जगह सब में जा रहा है। अब मैसेज स्विच रिसीव डेटा फ्रॉम द टर्मिनल ऑल टर्मिनल स्टोर्स देम इन ए क्यू एंड रूट देम वन एट ए टाइम टू द सीपीयू ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट मैसेज कमिंग फ्रॉम द सीपीयू टू एप्रोप्रिएट टर्मिनल। उसमें एक बात और है कि एक थैला है, उसमें कई लोगों से कहा बॉल डाल दो, लोगों ने बॉल डाल दी, अब वो आदमी कंधे में रख के ले गया, अब उसे वहां जाके बांटनी थी, क्या गलती हो जाएगी उसमें कि किसकी कौन सी बॉल है, तो उसके रूल्स हैं। जैसे ये सबसे पहली बॉल आएगी तो वो देख लेगा कहाँ से आई, कितने बजे आई, क्या पहचान है, मतलब एक कम्युनिकेशन फिट करेगा उसका, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेगा अच्छा हाँ ये तो तुम्हारी है, तो ये हर डेटा पैकेट की एक पहचान होती है, और बेसिकली प्रोटोकॉल भी यही होती है। प्रोटोकॉल मतलब कि डेटा किस तरह असेंबल हो रहा है और किस तरह डिसअसेंबल हो रहा है, उसको बाद में रीअसेंबल करने के लिए जो रूल्स फॉलो करें जैसे पहचानेगा वो। अच्छा इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती है, 7, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, लेयर्स का मतलब लेवल है कि इंटरनेट वाली कम्युनिकेशन इस वाले उसमें जाती हैं, टेलीफोन वाली ऐसे कुछ है, और आर्मी की अलग है, ऐसे है रेंज है,
ठीक है चलो। अब आ गया मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट इनेबल मोर देन वन सिग्नल टू बी सेंट साइमल्टेनियसली ओवर द वन फिजिकल चैनल। कि कई सारे सिग्नल मैस हो गए, जाने एक ही ट्रक से हैं। सिंपल बात कर लो, कई घरों का पानी आया और एक पाइप से भेज दिया, तो वहां कैसे पहचान होगा कि किसके दिखने में सब एक था। तो मल्टीप्लायर प्लेक्सर क्या करता है, उसको वो एक साथ भेजता है और वहां पे क्या करेगा वो, एट द रिसीविंग एंड द हाई स्पीड चैनल इज डी मल्टीप्लायर। या तो पहले मिलाया उसने, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड प्रोसेसर में क्या है? इट इज डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इंटरसेप्ट एंड हैंडल्स कम्युनिकेशन एक्टिविटीज फॉर द होस्ट कंप्यूटर। इट इज यूज टू ऑफलोड कम्युनिकेशन टास्क टू द ह्यूमन। एक क्वेश्चन इन तीनों चीजों में से भैया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पक्का है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है कि इसका एग्जाम्पल आप ऐसे, पहला क्या है सिंप्लेक्स है, पहला क्या है सिंप्लेक्स है। जैसे आपने देखा होगा कि कई नदियों पे दो पुल होते हैं, कितने पुल होते हैं, एक आने का और एक तो यानी वन वे हो गया और उसमें दूसरा नहीं जा सकता। कई नदियों पर एक पुल होता है लेकिन जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम वन। कई नदियों पर एक पुल होता है लेकिन साइमल्टेनियसली जा सकते हैं और आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं वायरलेस इसमें से कौन सा है? बिल्कुल नहीं, नहीं मतलब सेकंड वाला है वायरलेस, वॉकी टॉकी, जिसमें हम बोल रहे हैं तो जब तक हम बोलेंगे ओवर तब वो अपनी बात कहना शुरू करता है। यानी कि एक गाड़ी निकल जाएगी, जब आना जाना दोनों हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारा मोबाइल गलत है, गलत है, वो वेव्स हैं उसमें क्या है, जाने की फ्रीक्वेंसी अलग रहती है आने की, लेकिन हम एक ही समय पे बोलते हैं तो हमें लग रहा है वो एक ही पाइप से जा रहा है ना, उसका जो ट्रेवल रूट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, आपका जो वो है टेलीफोन, जो वायर वाले टेलीफोन होते थे घरों में, वो कौन सा एग्जाम्पल? नहीं, जो टेलीफोन होते थे नंबर डाल, लैंडलाइन फोन पहला है वो। अगर आप फोन को उल्टा पकड़ के बोलने लगे तो यही आवाज आती है, सेट है कि उस तार से आवाज आएगी उस तार। तो मोबाइल वाले में सीम्स टू बी लाइक दिस, लेकिन टेक्नोलॉजिकल वो ये होगा। किसमें नहीं, मॉडम तो क्या है, मॉडम में होता, मॉडम सब में आ सकता है, मॉडम को लेकर तो एक बार जरा उसको क्लियर करो। सिंप्लेक्स में क्या बोलता है देखो जरा, अ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन इज कैपेबल टू ट्रांसमिशन डेटा ओनली वन डायरेक्शन, तो दिस इज अ सिंप्लेक्स पहला, ठीक है। दूसरा बोलता है नहीं, उसमें और पढ़ते हैं, द सेंडर कैन नॉट रिसीव एंड रिसीव, यानी जो हमारा लैंडलाइन टेलीफोन है। अच्छा, दूसरे में हाफ डुप्लेक्स में क्या बोलता है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन अलाउ डेटा मूवमेंट इन द बोथ डायरेक्शन बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। ये वाली बात आ गई कि भाई स्कूल को दोनों लोगों के लिए, लेकिन दूसरी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, वॉकी टॉकी या वायरलेस। तीसरा क्या है, फुल डुप्लेक्स। अ डुप्लेक्स का मतलब कॉल इज डुप्लेक्स प्रोवाइड अ सिमिलर टू वे ट्रांसमिशन साइमल्टेनियस टू वे ट्रांसमिशन, अंडरलाइन करना, साइमल्टेनियस टू वे ट्रांसमिशन। द ट्रांसफर इज फास्टर बिकॉज इट अवॉइड्स द डिले दैट अकर्स इन हाफ डुप्लेक्स सर्किट ईच टाइम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन चेंज। एग्जाम्पल आर द फोर वायर डुप्लेक्स मॉडल यूज इन द टेलीफोन लाइन, ठीक है। अब जो मैं बात बता रहा हूं कि जो हमारा मोबाइल फोन है वो हवा के थ्रू हमारी आवाज जा रही आ रही, तो बहुत फाइन